हेलो हेलो हेलो, गुड नाइट गाइस। अभी मेरा आज होटल गोल्डन मिस्ट का बर्थडे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होटल गोल्डन भाई डरा दी, पीछे से आ जा रही। आज होटल गोल्डन मिस्ट की एनिवर्सरी है, बिकॉज आज 15 अप्रैल है। एंड आज का व्लॉग मैं रात को 11:25 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आधे घंटे बाद मेरे को खुद नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं। एंड मेरे को ना एक्सपेक्टेशन है और ना कोई ना कुछ है। ओके, एंड मेरे बाल अभी चेंज हो चुके हैं, मेरे बाल अभी ऐसे रहते हैं। ओके, तो आप लोग को एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। बाकी अब 14 अप्रैल ख़त्म हो चुके हैं, बहुत दुख हो रहा, बिकॉज मेरे को जिस चीज़ का इंतजार था वो चले गया। एंड या खुशी थोड़े दिन के लिए ही आती है, देन दुख ही दुख आते हैं। अभी खुशी चले गई, 14 अप्रैल 13 अप्रैल सब चले गए, अब 16 अप्रैल है कल। ऑब्वियसली मेरा बर्थडे, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं। एंड मेरे को नहीं पता आगे का ब्लॉग कैसा रहने वाला, कैसा नहीं। हैप्पी रहेगा एंडिंग, या शायद एंडिंग रहेगी, जो भी रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी फिलहाल मैं मेरे ब्रदरहुड से मिलाता हूँ, एंड मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है, मैं तेरे नाम बन चुका हूँ। गाइज, आज उन लोगों के भी मैसेज आएंगे जो 6 6 महीने तक के बात नहीं करते, जो 12 12 महीने 1 1 साल तक के, जिनको याद नहीं आती, लेकिन बस एक दिन याद आती, वो बर्थडे का दिन। और बर्थडे के दिन भी क्यों याद आती? हैप्पी बर्थडे भाई। तो आज उन लोगों के भी मैसेज आएंगे, तो लेट्स सी। वैसे अभी तो मैं जितना खुश दिख रहा हूँ, छोड़ो, बाकी मैं अभी बाद में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? गाइस, 5 मिनट्स लेफ्ट, गाइस 3 मिनट लेफ्ट। कोई आएगा? एक्सपेक्टेशंस तो नहीं, बट लेट्स सी। कुछ लोग दिख चुके हैं गाइस मेरे को, कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, कुछ लोग मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं भाई मेरे को लोग दिखा ही आ गए जी। आ रहा आ रहा, 5 मिनट अर्गुन आया। अच्छा, चलो मेरे को विश कर दो, मेरी मम्मी सोई है, मैं नहीं दिखा सकता। बाय बाय। बर्थडे मेरा और पैर तुम्हारे ही पैर में। पहले तुम्हारे नहीं, चंगलो मार दो कुछ, ठीक है? चलो हो गया। लक्ष्मी मैं सोनिया हो गया हमें। हाँ ठीक है, थैंक्स, मेरे बाल खराब कर दे। चल बेटो, बाय बाय। ये तो भूतनी दिख रही है। ये वो दूसरी माँ है उसके पापा, है वो दूसरी लक्ष्मी है। ये बोलते मेरे बहनों के पैर पर। हाँ फिर ऐसे ही पैर, ऐसे बाय बाय। हाँ ठीक है, ले पढ़ रहा, ले पढ़ रहा। देखो गाइस, पैर पहन लिया, आशीर्वाद दे उसको, आशीर्वाद दे, सदा सुहागन रहो बोल। 100 गर्लफ्रेंड बाबा, खूब तेरे 1000 सब्सक्राइब्स, अरे 1 लाख सब्सक्राइब, लव यू। 1000 सब्सक्राइबर्स मांग ली मम्मी ने। ओके थैंक यू, बाय बाय। लेट्स गो, 3 2 1, इट्स माय बर्थडे मेसी। Guys, it's my birthday. Happy birthday to me. Let's go नीचे जाते। तो दिख चुके मेरे को, रख दिख गए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू आंटी, जाओ खड़े हो जाओ। गाइस मैं बोला डॉक्टर बनो, निकाल देता है रात को छुट्टियां। रे नूर, हाथ में नहीं, बस रहने दे। बाय। ये तमाशे करने वाले लोग घर के बच्चे मेरा भाई लेने के देने वो पहले चाकू ले यार, साला डॉन वाला चाकू नहीं लाए। अरे मैं क्या बोला, पहले जान दे जाओ ना, उधर कार के आप, अरे सोम्या उधर से, सोम्या उधर से बने। चलो चलो चलो, अरे कार भी आ रही है, कार भी आ रही है भाई। हैप्पी बर्थडे, हाँ
थैंक यू। अर्जुन भाई हाँ भाई थैंक यू। दब 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 और रुक जा। टी-शर्ट उतारे वो मतलब भाई भाई खा लिया। हाँ भाई एक बार एक बार एक बार थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली मेरे भाई। हैप्पी होली भाई। टी-शर्ट नहीं गंदा उतार लो। भैया खा ले। मैंने कुछ नहीं बोला था तेरे बर्थडे पे। देख अबे मेरे बर्थडे में बोलते तेरे बर्थडे में नहीं। भाई टी-शर्ट नहीं धो लेना ना। ए दलिंदर तो पूरा धो लेना ना। हाथ दे दिया इन्हें। और कोई बचाए वो लगाने का। नहीं देखो मेरा क्या हाल कर। अच्छा चला इधर इधर आना। हाँ अब भाई कहीं पे इधर आने इधर। भाई एक चीज बता। हाँ भाई बोलो ना। भाई दिखा ना बॉडी। भाई मेरे को गंदा कर दिया था। तू बाल का बना था यार। भाई प्यार से लगाऊंगा। भाई भाई खाली होली है। होली है होली है होली है होली है क्या हो गया। होली है होली है हैप्पी होली। गाइस लिटरली मैं अब भी नहाया था थोड़े देर पहले। बस इनके आने के आधे घंटे पहले नहाया मैं। इन लोगों ने देखो क्या किया। शर्ट पे भाई पंजा करके गए कांग्रेस। ये देखो मैं पूरा पीछे से भी गंदा कर रखे। और कपड़े अलग निकालने वाले थे। मैं बोला भाई नहीं अच्छी टी शर्ट है। अभी तक तो सिर्फ तीसरी बार पहन रहा मैं ये वाली टी शर्ट। वो भी भाई एक बार फ्रेश हो तो देन मिलता हूँ। ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माई ब्रदर्स जो जो आए एंड जिन्होंने मेरा मूड उतना सही नहीं था। मैं जब 12 बजने वाले थे उसके एक घंटे पहले वॉशरूम गया था तभी मैं बहुत रोया था। एंड पहली चीज थैंक यू सो मच जिनके मेरे को विशेस आए। एंड अब तुम सोच रहे होंगे मैं इतना शांत शांत क्यों हूँ। तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। आज मेरा बर्थडे मेरे को भी पता है। एंड बहुतों के मैसेज आए। ओके मैं देखा। थैंक्स जिसने मेरे को मैसेज किया एंड थैंक्स टू देम जिनने मेरे को मैसेज किए। लोग अक्सर एक ही दिन याद करते जो बर्थडे का दिन रहता। बाकी छः छः सात सात महीने उनके मैसेज नहीं आएंगे लेकिन एक दिन आ जाते। कोई बात नहीं वो एक दिन तुम क्या ही फ़ायदा कर लोगे भाई एक दिन याद करके। खैर उनका छोड़ो मेरे को उनसे वैसे कोई मतलब नहीं ना कोई फ़र्क पड़ता भी। मैं क्यों ऐसा लटकाऊँ तो मैं चाहता तो नहीं था मैं वीडियो में बताऊँ बट अब आप लोग मेरे इतने चाहने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको बताऊँगा। तो 3 साल पहले 2021 में यही टाइम चल रहा था। तो मेरे को क्यों नहीं रहती बर्थडे की एक्साइटमेंट प्लस मेरे को क्यों नहीं पसंद मेरा बर्थडे बिकॉज 2021 में यही टाइम चल रहा था। एंड मतलब मैं ये कहानी बता रहा हूँ जो मेरी रियल लाइफ कहानी है। तो 2021 में जब 10 अप्रैल को मेरे घर पे सब तैयारी हो रही थी मेरे बर्थडे के लिए क्योंकि 14 अप्रैल के टाइम उस टाइम कोविड लगा था तो लॉकडाउन था। तो उस टाइम 11 अप्रैल को मेरे पापा एडमिट हुए एंड देन उसके बाद मतलब फिर मेरा बर्थडे है तो एंड उनका कॉल आता है कि मम्मी को कॉल आया था तो मेरे को लगा था कि उन्होंने मेरे लिए कॉल किए होंगे बिकॉज़
मेरा बर्थडे था, बट वैसा नहीं रहता है उस टाइम पे। मेरे बर्थडे के दिन उनका कॉल आता है, तो मेरे को लगा था कि मेरे बर्थडे के लिए आऊँगा, बट ऐसा नहीं रहता। उनकी थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी एंड मेरे को मैं मेरे मामा के घर था उस टाइम। मेरे सामने ऐसा केक रखा था कि पापा का कॉल आया तो हम रुके थे, मेरे को लगा कि पापा को याद होगा एंड वो विश करेंगे मेरे को, बट ऐसा नहीं होता है। वो मम्मी को बोलते कि बट बहुत कट्स लगे होंगे वीडियो में, सॉरी उसके लिए, बिकॉज मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। तो उस टाइम मम्मी को कॉल आता है तो मेरे को लगा कि वो मेरे को विश करेंगे, बट वैसा नहीं होता। ओके फाइनली ओके ओके तो वैसा नहीं होता है। वो बोलते कि मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो घर संभाल लेना, एंड मेरे को उस टाइम भी उतना रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज 2021 था एंड मैं थोड़ा छोटा था। स्टिल मेरे को लगा कि वो विश करेंगे, बट एट द एंड वो बोलते कि मम्मी से बात हुई थी, मम्मी को बोल, मैं स्पीकर पे था फ़ोन, मैं वेट कर रहा था कि वो मेरे को विश करेंगे एंड उनको याद होगा। बट वो 11th को एडमिट हुए थे, 11 अप्रैल को, एंड मेरा बर्थडे था 16 को। सॉरी गाइस, फिर से कट लग गया था एंड आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ, तो मैं कौन से टॉपिक पे था, तो मम्मी को कॉल आता है, तो मेरे को लगता है कि भाई उनको इसमें बाय द वे गाने बज रहे तो आपको आवाज़ आ रहा होगा, कॉपीराइट ना लग जाए, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे को विश करेंगे, बट वैसा नहीं होता। कॉल स्पीकर पे रहता एंड मैं वेट करता रहता, मेरे सामने केक रखा रहता। रात के 8 बजे की बात है, मेरे बर्थडे के दिन, तो वो मोमेंट मेरे दिमाग में घूमता रहता। प्लस जब 10 अप्रैल को हम सोच रहे थे मेरे बर्थडे के बारे में, सब मिलके, पापा घर पे ही थे, उतनी हालत ख़राब नहीं थी, बट 11 अप्रैल को उनको एडमिट किए एंड फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आया। भाई सो सॉरी गाइस, ये लगभग कितना कट होगा पता नहीं, बहुत कट टू कट वीडियो बनी होगी। तो मेरे को लगा था उस टाइम कि भाई करेंगे विश, बट नहीं किए एंड तब से फिर मेरा बर्थडे चले गया। उस टाइम मैंने केक काट लिया था खुशी खुशी बिकॉज मैं मेरे मामा के घर था, प्लस उतनी समझ भी नहीं थी। बट वो जो उनका 11 अप्रैल को यहाँ से घर से जाना एंड उस टाइम मैं छोटा था, तो इन लोग ने वैसे बातें छुपाए थे कि पापा इतने बीमार हो गए थे एंड ये टाइम देखना पड़ेगा, अभी सोचा। देन उसके बाद मेरा बर्थडे चले गया एंड वो लास्ट बर्थडे था जब मैंने मेरे घर पे केक काटा था। मेरे घर पे भी नहीं, मैंने मेरे मामा के घर केक काटा था। उसके बाद से घर पे कभी केक नहीं काटा, नीचे ही काटा है 12 बजे, उस क्योंकि मैंने हर तरफ से अपने घर वालों को मना कर रखा कि भाई केक गिन नहीं लाना, मेरे को नहीं पसंद, मतलब सॉरी एक और कट। भाई मैं रियली सॉरी, मेरा कोई मूड नहीं है इमोशनल होने का, बट मैं क्या कर सकता है यार, एक मैंने अपनी लाइफ का वो पर्सन खोया है जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सॉरी, अब नहीं, कंट्रोल है खुद पे बुरा। ओके तो मैंने मेरे लाइफ का वो पर्सन खोया एंड उस टाइम खोया जब मेरे को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, ना कभी सोचा था कि भाई इतने जल्दी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, बिकॉज वो जब तक थे ना मेरे लाइफ में, मैंने कभी इतना सब कुछ, ये जो मैं अभी झेल रहा हूँ, ये सब नहीं देखा था। मैं बहुत खुश था जब तक वो मेरे लाइफ में थे, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हर तरफ से बस भाई सारी चीज़ें सही चल रही थी। एंड जब से वो गए ना, लाइफ यार सही में चेंज हो गई। मतलब घर, एक घर रहता उसके ऊपर एक छत रहती, घर है, घर तो है लेकिन छत तो नहीं है, ऐसा फील होता। एंड आज मेरा बर्थडे, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है मैं ऐसा हो रहा, मैं हर साल मेरा यही हाल रहता। आज के दिन बहुत लोग मैसेज करेंगे, बहुत लोग विश करेंगे, बट रियलिटी मेरे को लोगों की पता है, मैंने आजमाया हूँ,
मेरे पापा के जाने के बाद मेरे जब पापा एडमिट थे सब देखा यार मैं, मतलब वो चले तो गए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए, एंड मेरे जो मम्मी का हाल रहता मैं खुद देख नहीं पाता, एंड यही चीज सॉरी है भाई, मैं दिखाता खुद को बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, बट भाई जो बंदा खुद को खुश दिखाता है वो कभी खुश नहीं होता, एंड मैं किस चीज़ों से निकला हूँ मेरे को अच्छे से पता है, एंड मेरे लाइफ में कितना भी दुख आ जाए कुछ भी आ जाए मैं खुशी खुशी निकाल लूँगा, बिकॉज अब उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए तो कोई बात नहीं पापा, हूँ मैं इधर ही, मतलब मैं भाई पिछले एक घंटे से बस रूम में हूँ अपने पापा को याद करते हुए, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब तक वो मेरे लाइफ में थे मेरे को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी, मेरे पे कभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, ना मैंने कभी सोचा था कि मेरे को ऐसे दिन देखने मिलेंगे, मैंने भाई मेरे पापा के जाने के बाद मेरे मम्मी को इतना रोते देखा जो मैं कभी देखा नहीं था, मेरे पापा जब तक थे मैं बहुत रेयरली मम्मी को रोते देखा, वो भी फैमिली डेथ्स एंड ऑल उसमें रोते देखा, अभी हर मोमेंट पे रोते भाई वो, मतलब मेरी बहन दीपाल दीदी मेरे पापा की, मतलब वो बहुत प्यार, मेरे पापा उसको बहुत प्यार करते थे सच में, मेरे से ज़्यादा मतलब हमारे इसमें किसी को ऐसा नहीं था ऊपर ज़्यादा, बट वो मेरे पापा की बहुत प्यार की थी, उसको जब 27 अप्रैल को हमको कॉल आता है कि पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है आप आ जाओ, मेरे को मेरे मामा के थ्रू बुलवाते अब मेरे को लेके आते, मेरे को लगा था कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं कार में लेके गए मेरे को, एंड इसी मंथ में 3 साल पहले भाई मैंने मेरे पापा को लास्ट टाइम मेरे घर से 11 अप्रैल को जाते देखा था, उसके बाद मैं आज तक नहीं देख पाया, जब मेरे पापा गए तो बहुत लोगों ने बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं कोई दिक्कत नहीं सब तुम्हारे साथ रहेंगे, एंड सब सपोर्ट में थे ठीक है, सिर्फ उतना टाइम ही सपोर्ट में थे, उसके बाद अभी तक के मेरे को कभी दिखे नहीं और ना कोई अभी दिखता है, मेरे डेली ब्लॉग्स आते हैं कोई आपने देखे होंगे अगर हमारे घर पे आता है होंगे भाई, मैं तो नहीं देख पाता, जो मेरे पापा के सो कॉल्ड क्लोज थे उन्होंने भी कोई हमको ये नहीं कि सपोर्ट उस टाइम तक थे बस, एंड अब भाई प्लीज़ कॉल मत करते जाओ यार, मेरे को सिम डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी, कॉल आ रहा सॉरी गाइस मैं कॉल नहीं उठा सकता, मेरा ना मन है ना, मैंने किसी को अभी तक रिप्लाई दिया, मेरे भाई है उनसे बस बात किया एंड उसके बाद मैं किसी को रिप्लाई नहीं दिया गाइस, मैं थोड़ा ब्रेक लिया था एंड हाँ तो मेरे को कॉल आ गया था मैंने नहीं उठाया, मेरे भाई लोग है बस उन्हीं से मैंने अभी तक के किसी को रिप्लाई नहीं दिया ना किसी के मैसेज देखा, मेरे को नोटिफिकेशन बहुत सारी है, मैंने सिम ऑफ कर रखा था अभी तक के, अभी एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन आई तो मैंने सिर्फ मेरे भाई को रिप्लाई दिया अभी तक, हरनूर को उसके अलावा किसी को नहीं दिया, मेरी सगी बहन को दीपाल दीदी को रिप्लाई दिया और मेरी मम्मी और बहन से विश लिया, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज दुनिया सिर्फ आज के दिन मेरे को विश करेंगी भाई, एंड वो भी विश करेंगे जो मेरे को पूरे साल गालियाँ देंगे, बस साल का एक दिन मैसेज करेंगे कि भाई हैप्पी बर्थडे, तो भाई तुम्हारे एक दिन के हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए मेरे को, एंड ना मैं कोई तुम्हारे हैप्पी बर्थडे से कोई पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तो मैं उस टाइम हाँ तो मैं उस टॉपिक पे था कि उन्होंने मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के गए, एंड जो लोग मेरे पापा के सो कॉल्ड क्लोज वंस थे नहीं दिख रहे भाई, कोई खड़ा नहीं है साथ में, जब पापा की डेथ हुई सब बोले भाई हम तुम्हारे साथ हैं सम्यक, तू टेंशन मत ले हम हैं ना तेरे साथ, हम तेरे कजन्स
तेरे भाई बहन है सब तेरे साथ, तू क्यों टेंशन लेता है? वही नहीं है भाई, दुनिया पे भरोसा करना छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे साथ सब खड़े तो एक टाइम आएगा जब तुमको सब छोड़ देंगे। मैंने टाइम देखा हो, जब तक मेरे पापा थे सब थे साथ में, जब मेरे पापा गए एक महीना थे साथ में, उसके अगले महीने से कोई नहीं दिखता। एंड गम उसी को है जिसने अपना पर्सन खोया। मैंने मेरे पापा खोया, मेरे को अच्छे से पता है मेरे पे क्या बीतती क्या नहीं। लोगों का क्या है, सम्यक भाई क्या हो गया, जो हो गया हो गया, अब पापा नहीं है, ये चीज़ से निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा। लेकिन भाई मैंने मेरे पापा खोया, कोई रिलेशनशिप नहीं था मेरा, कोई प्यार नहीं था यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैंने मेरे पापा खोया जिसके साथ मैंने पूरे 14 साल निकाले और 15, 16, 17 नहीं देख पा रहा मैं। एंड फ्यूचर में भी पता नहीं क्या भाई, देख ही नहीं पाऊंगा उनको। जिनके साथ बीतता ना भाई उन्हीं को पता है क्या होता। एंड वो जब तक थे बहुत लाइफ अच्छी थी, वो जब से गए कोई खुशी नहीं है भाई। ये बर्थडे गिन सब एक दिन का है, बाकी कुछ नहीं है। दुनिया बहुत मतलब ही है। एंड मैं देख लिया जितने भी लोग थे, थैंक्स भाई इतना अच्छा लेसन देने के लिए हमको। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है, मैं बहुत कट्स लगा दिया, सॉरी, अब मैं ब्लॉग एंड कर दूंगा बिकॉज मेरे से बोल के नहीं हो रहा। एंड मैं वीडियोस में कभी इमोशनल, आपने सपने को हंसते खुशी दिखाओ, बिकॉज जितना कुछ मैंने लाइफ में पेन देखा है ना, सब हंसते खुशी निकालो। क्योंकि जब आंसू आते हैं ना, पोछने वाला कोई नहीं रहता, अपने हाथों से ही अपने आंसू पोछना पड़ता। लोग आएंगे आपके आंसू पोछने तो मतलब से आएंगे, ये चीज भी समझ जाओ। जितने भी लोग अगर तुम्हारे आंसू पोछने आ रहे हैं मतलब से आएंगे, उनके पीछे कोई ना कोई मतलब रहेगा। तो यही है। एंड पापा कहीं है, इधर ही कहीं मेरे को देख रहे होंगे। एंड मे बी वो शायद मेरे पे प्राउड हो। मेरे से जितना हो सकता मैं कर रहा। एंड मैं मेरे एज के हिसाब से मेरा 100% दे रहा। मेरी मम्मी तो खुश है, बट अगर वो रहते तो कुछ अलग बात रहती। वो रहते तो आज मेरा बर्थडे हैप्पी रहता, आज वो नहीं तो मेरा बर्थडे हैप्पी नहीं है। तो मेरे लिए कोई ये हैप्पी बर्थडे नहीं है। तो ये लास्ट मैसेज था, वो कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे मेरे को, सॉरी गाइस। थैंक यू सो मच जिसने मेरे को विश किया। एंड बस थैंक्स यार, बाकी इफ मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो सो सॉरी, बस सॉरी। एंड थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।